क्यों बे कोहली, देखा ना पाकिस्तान का जलवा। अरे जलवा हमारा इंडिया में भी चलता है, और देखा तुमने हैदराबाद में कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगवा दिए हैं इस बार। अरे मतलब कि इनका तो कुछ अलग ही चल रहा है। अरे उंगली पकड़ी नहीं कि ये तो गर्दन पर चढ़ गए है। अरे थोड़ा सा इनको सम्मान क्या दे दिया, ये तो अपने आप को तो रमखा समझने लग गए। अरे हमने भी तो तुमको भगवा पहना दिया था, जब क्यों नहीं बोले तुम कुछ। अरे यार कोहली, वैसे तो भगवा हम पहनते नहीं हैं, लेकिन यार क्या करे, एयरपोर्ट पर तुमने सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी कर रखी थी, अब उनको कैसे मना कर सकते थे, बताओ जरा। अरे बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला क्यों बे रिजवान। अरे हमारी लड़कियों पर तू गलत नज़र डालता है। अबे छुटरी के हमको पता नहीं था, तू तो ठटरी वाला निकला बे। भुटनी आँख को इतना मारेंगे कि पाकिस्तान में भी पहचानने से इनकार कर देंगे। यहाँ पर रहना है, सभ्यता से रहो। अरे अरे कोहली भाई, अरे इसे क्षमा कर दे। अरे यार इसको कुछ पता नहीं है, इसने गलती से बोल दिया, इसके मुंह से निकल गई। अरे बस छुटरी के रिजवान, सॉरी मांग कोहली भाई से। अरे गुरु जी, मेरे मुंह से निकल गई थी, मुझे क्षमा कर दो गुरु जी। अरे ऐसा अगली बार नहीं करूँगा गुरु जी, इस बार क्षमा करो और हमें मैच खेलने दो आज। अबे चला जा भूतनी के मेरी नज़रों से दूर, मैं कोई क्षमा वमा नहीं करता हूँ, इस बार तो बच गया है। अगली बार ऐसा कुछ कहा ना तो तेरा पिछवाड़ा सुधा के ही भेजूँगा। क्यों रोहित भाई, ठीक किया ना मैंने। अरे सही कह रहे हो विराट भाई, ये रिजवान तो कुछ ज़्यादा ही इतरा रहा है, मतलब कि ग्राउंड के बीच में नवाज फटने लग जाता है। छुटरी के अगली बार तेरा शतक ही नहीं होने देंगे, फिर फटना कहाँ से फटेगा तू नवाज फवाज।